प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को मी एंड द इकोलॉजी बिट जो जॉन लेक्सी के द्वारा लिखा हुआ है, यह बिहार बोर्ड के अंग्रेजी का टेक्स्ट बुक का दूसरा अध्याय है। इसमें हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में, अनुष और पारिस्थितिकी के बारे में जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जॉन लेक्सी प्रेजेंट लेसन, जो जॉन लेक्सी का वर्तमान पाठ है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी तंत्र, ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न्ड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये बताते हैं कि कैसे पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी को बचाना सभी लोगों से संबंधित है, परंतु इसको बचाना बहुत ही कठिन है। इसकी समस्या को समझाना क्या है, बहुत ही कठिन है। प्रीसिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, क्या है, पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, परंतु पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों के अनुकूल चलना कठिन है। Look at the pictures given below, नीचे दिए गए तस्वीरों को देखें, and discuss the questions that follow, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करें। What are the slogans, जो नारे दिए गए हैं वो क्या हैं। Read out aloud, उसे क्या है, तेजी में पढ़ें। पहला, save earth, धरती बचाओ, save tree, पेड़ बचाओ, save water, जल बचाओ। दूसरा प्रश्न है, Why are these slogans displayed? ऐसे नारे क्यों दिखाए जाते हैं, क्यों प्रदर्शित किए जाते हैं। Do you like these slogans? क्या आप ऐसे नारों को पसंद करते हैं, Why? क्यों। चौथा, Have you ever displayed such slogans? क्या आपने कभी ऐसे नारे को दिखाए हैं, प्रदर्शित किए हैं, और participated in any seminar on ecology preservation? या किसी ऐसे सेमिनार में भाग लिए हैं जो पारिस्थितिकी के बचाव पर आधारित हो। इन सारे प्रश्नों को आप अपने हिसाब से हिंदी में जवाब बना लें, संभव हो तो अंग्रेजी में। मैं इन सभी प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के लिए लोगों से काम कराना निश्चय ही कठिन है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, बट nobody wants to do anything about it, प्रत्येक लोग इसके पक्ष में है किंतु कोई इसके प्रति कुछ करना नहीं चाहता है। At least I am doing something, कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ। Going around telling people what they should do, चारों ओर जाकर लोगों को यह कहता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। What all I get is a lot of back टॉल्क, किंतु जो कुछ मुझे मिलता है, जो मुझे जवाब मिलता है, वह बहुत कुछ बीती बातें हो गई है। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास यह कागजी मार्ग है। माई फादर हैड वन वेन ही वॉज ए किड, मेरे पिताजी के पास यह ऐसा एक था जब वे बच्चे थे। So he made me get one last year, इसीलिए वैसा ही एक उसने मुझे बीते वर्ष दे दिया। Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff, इसके और मेरे घरेलू कार्य के बीच मुझे बॉल या अन्य कुछ खेलने का समय मुश्किल से मिलता है। Some days I get in only a few things, innings, कुछ दिनों तक मैं कुछ ही पालियों तक पहुंच सका था। But anyhow, परंतु किसी तरह, on Saturdays when I collect, शनिवार को जब मैं संग्रह करता हूँ, I put in a good work for ecology, मैं पारिस्थितिकी के लिए कुछ अच्छा काम करता हूँ। Like last Saturday's morning, गत शनिवार की सुबह की तरह। It was a good collecting day, यह संग्रह का अच्छा दिन था। It had just turned spring and a lot of people were outside, यह बसंत शुरू ही हुआ था और बहुत से लोग बाहर थे। I went to Mr. Williams' house, मैं मिस्टर विलियम्स हाउस के घर गया।
As usual, he tried to pretend he is not at home. हमेशा की तरह उसने घर में नहीं होने का बहाना करने का प्रयास किया. But I see him burning leaves in the backyard. परंतु मैंने उसे घर के पिछवाड़े में पत्ता जलाते देखा. So he is stuck. वह इतना दंभी था, बेवकूफ था. He paid me and I tell him. उसने मुझे पैसे दे दिया और मैंने उससे कहा, You shouldn't burn those leaves. आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए. It is bad for air, bad for ecology. यह वायु के लिए नुकसानदेह है, पारिस्थितिकी के लिए नुकसानदेह है. You should make a compost pile like we do. आपको कंपोस्ट का ढेर लगाना चाहिए जैसा मैं करता हूँ. Put in the leaves, garbage and stuff. क्या करना है आपको, पत्तों, कचड़ों और रद्दी को क्या करना है, बगीचे के अंदर जमा कर देना है. Good for the garden. ये जो कंपोस्ट बन जाते हैं ये बगीचे के लिए भी अच्छे होते हैं. He doesn't agree or hang his head in shame. वह ना तो मेरी बातों से सहमत हुआ और न ही शर्म से सिर को झुकाया. He says that compost pile is your job at home. Jim isn't it. उसने यह कहा, बोला, वह कंपोस्ट का ढेर घर में लगाना तुम्हारा काम है ना कि जिम का. Yes, I say proudly. मैंने गर्व से कहा, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. जो विचार को बदल देता है कि मैं कंपोस्ट से नफरत करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ. मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम्स कहता है, वेल डोंट यू टेक लिटिल मोर ट्रबल विथ इट. क्या तुम्हें इस काम को करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करते हो. पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ इच लेयर. प्रत्येक सतह पर काफी धूल रखो. देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन. इससे क्या होगा, हमारे नाकों में गंद नहीं आएगा, हमारे नाकों को प्रदूषण महसूस नहीं होगा. ओह आई से, ओह मैं कहता हूँ, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, तुम्हारा मतलब है ध्वनि प्रदूषण. नो ही सेज, वह कहता है, नहीं. आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट. मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो कंपोस्ट है, खाद बनाते हो जिसके कारण पूरी गली में गंध फैल जाता है. अभी तक आपने जितना पढ़ा उस पर आधारित कुछ ट्रू और फॉल्स की प्रश्न है जिसे आप हल करने का प्रयास करें. मैं इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा सारे प्रश्न और उत्तर के साथ. माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन. इससे मेरी भावनाओं का आहत हुआ, दुखी हुआ, चोटिल हुआ, किंतु यह फिर भी मुझे प्रयत्न करने से नहीं रोकती है. आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी. मैं मिस ग्रीनी के यहाँ संग्रह करने जाता हूँ. आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी. मैं उसे मिस ग्रीनी कहता हूँ क्योंकि यदि मैं उसे मिसेज कह देती हूँ तो वह कह देती है कि उसके पास छुट्टे नहीं है उसे चुकाने के लिए. ही इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे. बस सोमवार को साप्ताहिक जो कचरे उठते हैं उसे बाहर रख देती है. शी गोज अवे ऑन वीकेंड. सप्ताह के अंत में वह बाहर चली जाती है. सो ऑन Saturdays and Sundays we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. इसीलिए शनिवार और रविवार को हम लोगों को उसके घर के में खुली जगह पे बड़ा प्लास्टिक थैला देखने को मिलता है. But I don't say anything about it. किंतु मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता. I just look at the garbage. मैं केवल कचड़े की ओर देखता हूँ. He says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. वह मुझसे कहती है, जाओ वह गोंद का खोल जो तुमने मेरे घास के मैदान में फेंक दिया है उठा लो. Put it one of the plastic bags. उसे एक प्लास्टिक के थैले में रख दो.
Didn't anybody teach you not to litter? क्या तुम्हें किसी ने गंदा नहीं करना सिखाया है कि किसी जगह इसे यूं ही गंदा नहीं करना चाहिए? I hold my temper and pick up my gum wrapper and put it in a bag. मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा और अपना गोंद का जो खोल था उसे उठाता हूँ और उसे एक थैले में रखता हूँ. Then she says, तब वह कहती है, and there is a law in this town about keeping dogs on a leash. और इस शहर में एक कानून है अपने कुत्ते को पट्टे में बांधकर रखने का. So why is yours always all over the places? और क्या है, इसीलिए तुम्हारा कुत्ता सब जगह हमेशा क्यों रहता है? That dogs dig up my garden and messes up my yard. And last weekend Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. वह मेरे बगीचे में को क्या करता है, गंदा करते रहता है, अव्यवस्थित कर देता है. और पिछले सप्ताह की बात है, मिस्टर विलियम ने देखा कि उसने मेरे कचरे के थैले को क्या कर दिया, चीर फाड़ कर बर्बाद कर दिया था. Well, I say, but I can't think of anything to go with it. ठीक है, मैं कहता हूँ, किंतु मैं इसके साथ चलने के लिए नहीं सोच सकता हूँ कि इस तरह से चलना चाहिए, ये सही ही है, ऐसा हो सकता है. Then I see she is piling newspapers next to her garbage bags. फिर मैंने देखा वो न्यूज़पेपर को क्या करने लगी, कचरे के डिब्बे में, थैले में रखने लगी. Listen, Miss Greeny, I say, मैंने कहा, सुनिए Miss Greeny, save those papers for the school pickup and they can be made into new paper, save aluminium cans too. मैंने कहा कि सुनिए, जो आप पेपर को जो बर्बाद कर रहे हैं उसे जो स्कूल के पेपर उसके साथ अलग रख दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, नए पेपर का निर्माण हो सकता है जिससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा. इसी प्रकार से आप एल्युमिनियम के जो केन है, बर्तन है, उसे भी क्या करें, आप संरक्षित करें, जिससे रिक्रिएशन हो सकता है. लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जो पिछली पढ़ाई लिखाई की रद्दी थी, उसी तरह सी आस्क When you said you had come and pick them up, उसने पूछा, जब तुमने कहा था कि तुम आए थे और तुमने पिछले रद्दी को उठा लिया था, but you never showed up, लेकिन तुमने कभी नहीं उसे दिखाया. It is easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. उसे थोड़े थोड़े करके फेंकने से अच्छा होता है कि एक बार फेंक देना. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कचरे के डब्बे में फेंक रहा हूँ, अलग अलग नहीं करके रख रहा हूँ. I get tired of trying to get Miss Greeny to do something about ecology. मैं Miss Greeny को प्रसिद्धि के लिए कुछ कराने का प्रयास करने में थक गया हूँ, उब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ. I go to Mr. Johnson's house. मैं Mr. Johnson's के घर गया. He makes a run for his car. वो अपनी कार के तेजी से गए, किंतु but I can run faster than he can. परंतु मैं उससे भी तेजी से उनकी कार की तरह. एक बार आपके पाठ्यपुस्तक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसे पॉज कर अच्छी तरह से देख लें और जवाब देने का प्रयास करें. इस पर मैं एक अलग से जवाब का वीडियो बना दूंगा. जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज्ड, ही सेज हफिंग एंड फफिंग. अभी पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला है, पहले वहां पहुंचने का प्रयास करता हूं, उसने हांफते हुए कहा, मुझे रोको मत. यू गोट टाइम आई से, मैंने कहा, आपके पास समय है. यू इवन गोट टाइम टू वॉक, आप चलकर भी वहां पहुंच सकते हैं. इट्स ओनली टू ब्लॉक्स, ये सिर्फ दो ब्लॉक की दूरी पर है. यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको अपने कार से नहीं जाना चाहिए जब आपको इसकी जरूरत नहीं हो. द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, चलना एक अच्छा व्यायाम है और यह क्या करता है, गैस को भी बचाता है, ऊर्जा को भी बचाता है. एंड नॉट पोल्यूट दैट इकोलॉजी, और यह क्या है, पारिस्थितिकी को भी गंदा नहीं करता है. यही तो पारिस्थितिकी है. दे श्योर आर आई से, वो नाश्वस्त हैं.
मैं कहता हूँ वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, जो हमारे स्कूल में होते हैं पेड़ पौधे जो पारिस्थितिकी के क्या करते हैं शुद्ध करते हैं, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टप लाइक डैट, जो हवा जैसे और उसके जैसे विषैली चीज़ों क्या करता है साफ करता है। सी डैट ट्री ओवर देयर ही सेज, उसने कहा वहाँ देखो जहाँ पर क्या है उस जगह देखो, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, वहाँ पर इशारा करते उन्होंने कहा जहाँ पर एक भी पौधे नहीं थे। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, मैंने उन्हें कहा वहाँ तो एक भी पौधा नहीं है। कोर्स नॉट ही सेज, बिल्कुल नहीं वह कहता है। एंड नो ग्रास आइदर, और एक भी घास नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेज ग्रीनीज, क्या किया है आपने मिसेस ग्रेनी के यहाँ से आसान सा रास्ता यहाँ तक बनाया है। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जम्प ओवर इट एवरी डे, रिमेम्बर, तुम याद करो वहाँ कुछ छोटे छोटे पेड़ बढ़ रहे थे जब तक तुमने उस पर रोज उछलने की कोशिश करते हुए उसे मार नहीं दिया, अर्थात वह मर गया, याद है ना। ओ आई से, ओ मैं कहता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग वेन यू कैन वॉक, और आपको क्या करना है जब आप टहल सकते हैं तब गाड़ी नहीं चलाइए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड अराउंड योर बैकयार्ड और समल, आपको याद होगा कि आप पिछवाड़े में सारी गर्मी मोटर बाइक चारों ओर चलाते हैं। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर्स, और अपना स्नो मोबाइल पूरे जाड़े में। इजंट डैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या यह शक्ति का अपव्यय करना और ध्वनि प्रदूषण करना नहीं है। बट इजंट फन आई से, मैं जो कहता हूँ किंतु यह आमोद प्रमोद है, मैं कहता हूँ यह आनंद नहीं है जो मैं। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही सेज, हाँ मैं कार से पोस्ट ऑफिस जाने का आनंद लेता हूँ। ही सेज, उसने कहा, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत देर कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वह क्रोधित होकर गुस्से में घर के भीतर चला जाता है। देन आई रिमेम्बर ही हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आता है कि उसने मुझे पैसे नहीं दिया, उसने मेरा भुगतान नहीं दिया। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं अगले शनिवार तक इंतजार करने का निश्चय किया। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम एक बार मैंने फिर उसे अपने कार से प्रदूषण करने से रोक दिया। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं पारिस्थितिकी के बारे में अपनी शेष बचाव की बात नहीं करता हूँ। इट इज वेरी बोरिंग वर्क, यह बहुत ही उबाऊ काम है। दिस इकोलॉजी बिट, पारिस्थितिकी के बारे में, यह पारिस्थितिकी के बारे में। बट वेन आई गेट होम, जब मैं घर में जाता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो मैं अपनी माँ को इलेक्ट्रिक का क्या है मिक्सर यूज करते हुए देखता हूँ। यू शुडंट डू डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट द टू हर, मैं अपने माँ को बताता हूँ कि आपको जो अंडा जो पीसते हैं, अंडा चूर्ण बनाते हैं, आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाना चाहिए। वीमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स, महिलाएं बिजली के सामान का उपयोग बहुत ज़्यादा करती है। सी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, वह बहुत ही रुखी आवाज में बोलती है। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हियर, यह कौन है जो दिन में 27 घंटे टीवी देखता है, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर क्या किसी दूसरे प्रकार का बिजली है। सो व्हाट आई मीन, इस मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई भी इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। एंड नो बडी लिसन टू मी, और मेरा कोई सुनता भी नहीं है, यह कहकर बाक यहाँ पर आपका अध्याय का समापन हो जाता है। अब आपको अपने पाठ पुस्तक से कुछ खाली स्थान को भरना है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब बहुत संक्षिप्त रूप में देना है, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसका जवाब बहुत लंबे में देना है,
ग्रुप डिस्कशन के लिए भी कुछ प्रश्न है जिसे आप तैयारी कर सकते हैं, कंपोजिशन है, लेटर राइटिंग वगैरह है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस पर मैं आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस अध्याय को बार बार देखें, पॉज करके इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें। इसी के लिए आज आप लोगों ने जो इतनी देर तक मेरे वीडियो को देखा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।